प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के साथ भारत कठिन संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि विश्व के सभी देश समस्याओं का सामना कर रहे हैं। बीते एक शताब्दी का यही सबसे बड़ा संकट एवं विषाद रहा है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि कोरोना के कारण कई लोगों ने अपनों को खोया है। भारत ने वैक्सीन की तैयारी में विश्व देशों के साथ समान प्रतिस्पर्धा की है। उन्होंने वैज्ञानिकों की तारीफ करते हुए कहा कि टीके को तैयार करने के लिए वैज्ञानिकों ने दिन रात की परवाह किए बिना काफ़ी मेहनत की है। मोदी ने देश की आम जनता एवं स्वास्थ्य की रक्षा के लिए वैज्ञानिकों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस समय कोविड प्रोटोकॉल एवं वैक्सीनेशन ही सुरक्षा कवच हैं। कोविड से लड़ने के लिए बीते सवा साल में ही देश में एक नया हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। सेकंड वेव के दौरान अप्रैल और मई के महीने में भारत में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड अकल्पनीय रूप से बढ़ गई थी। भारत के इतिहास में कभी भी इतनी मात्रा में मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत कभी भी महसूस नहीं की गई, और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां बहुत कम है, इन्हीं गिनी हैं। कल्पना करिए कि अभी हमारे पास भारत में बनी वैक्सीन नहीं होती तो आज भारत जैसे विशाल देश में क्या होता, आज देश में क्या होता। पिछले 50-60 साल का इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। गांधी भवन में कांग्रेसी नेता सत्याग्रह आंदोलन पर उतरे। इस सरकार विरोधी सत्याग्रह आंदोलन में उत्तम कुमार रेड्डी, जीवन रेड्डी, पोन्नाला लक्ष्मैया, मर्री शशिधर रेड्डी, वंशी चंद्रा रेड्डी आदि नेताओं ने भाग लिया। कांग्रेसी नेताओं की मांग है कि राज्य की गरीब जनता को कोरोना तथा ब्लैक फंगस रोगों का सरकार मुफ्त उपचार कराए। इस सत्याग्रह आंदोलन के संदर्भ में उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि राज्य में गरीब लोगों को कोरोना तथा ब्लैक फंगस उपचार के लिए अपनी संपत्तियां बेचने की स्थिति आसन्न हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों को मुफ्त उपचार सुविधाएं मुहैया कराना चाहिए। उन्होंने इसी मौके पर मांग की कि कोरोना तथा ब्लैक फंगस उपचार को आरोग्यश्री योजना में शामिल किया जाए। उत्तम कुमार ने यह भी बताया कि सरकार की लापरवाहियां राज्य की जनता के लिए अभिशाप बन गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य भर के सभी जिलों में आज से आरंभ किए गए दीक्षाएं, सत्याग्रह आदि आंदोलन मध्यान्ह तक चले। यह आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आयोजित किए गए हैं। इस आंदोलन के दौरान पार्टी की सभी श्रेणियां कोविड नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से तथा सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। गांधी भवन लो अन्नी जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालयों मरी सत्याग्रह कार्यक्रम चेपट्टिन अक्कड नरेंद्र मोदी इक्कड केसीआर असमर्थता वल्ल लैक ऑफ प्लानिंग फोरसाइट మరి ముందు చూపు లేకపోవడం వల్ల ప్రజల ఆరోగ్యం పట్ల ప్రజా సంక్షేమం పట్ల చిత్తశుద్ధి లేదు, సిన్సియరిటీ లేదు, కమిట్మెంట్ లేదనేది చాలా స్పష్టంగా అవుతుంది. మొదటి వేవ్ లో మార్చి 2020లో 15 నెలల క్రితం లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసిన ఈ ప్రభుత్వాలు 15 నెలల్లో కూడా మరి సెకండ్ వేవ్ రాకుండా చూసుకోవడానికి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవడానికి, మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ చేయడానికి, ఇంప్రూవ్ చేయడానికి ఏమీ చర్యలు తీసుకోలేదు. ఎంత సిగ్గు చేటంటే కింగ్ కోటి హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ లేకుండా పేషెంట్స్ మరణిస్తారు, టిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఆక్సిజన్ లేకుండా పేషెంట్స్ మరణిస్తారు. वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता मल्लू भट्टी विक्रमार्क ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि तेलंगाना राज्य में परिस्थितियां भयंकर है। उन्होंने आक्रोश भरे स्वर में कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दिए हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि कोरोना से प्रभावित हुए परिवारों को सरकार आर्थिक मदद करें। अंदर की वैद्यों అందించేటట్టుగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈరోజు ఎంత భయంకరమైన పరిస్థితులు ఉన్నాయంటే ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశాన్ని చూస్తే జాలి పడతా ఉన్నాయి. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా భారతదేశం నుంచి ఎవరైనా వస్తా ఉంటే రాని వద్దని చెప్పి బ్యాన్ చేశాయి. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా సహేతుకంగా సాంకేతిక పరంగా నిర్ణయాలు తీసుకొని కరోనా కోవిడ్ కట్టడి చేసుకుని వాళ్ళంతా ముందుకు పోతా ఉంటే
భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గాని రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గాని సహేతుకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా కేవలం కొన్ని మాటలతో దేశ ప్రజానికాన్ని రాష్ట్ర ప్రజల్ని గాలికి వదిలేయటం వల్ల ఈ రోజు దేశం మొత్తం కూడా ఇంత విపత్కర పరిస్థితుల్లో నెట్టివేయబడి సరే కరోనా కోవిడ్ వైరస్ సంబంధించి సాంకేతికంగా ట్రీట్మెంట్ చేయాలన్నటువంటి ఆలోచనలు పక్కన పెట్టి చప్పట్లు కొట్టండి దేశ ప్రజలంతా అని చెప్పి మరో పిలిపించారు వ్యాక్సిన్ గురించి ఆలోచన లేకుండా ఇంట్లో దీపాలు ఆర్పేయండి బయట క్యాండిల్ వెలిగించండి అని పిలిపించారు पूर्व मंत्री ईटेला राजेंद्र को विधानसभा अध्यक्ष पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का अपॉइंटमेंट अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। ईटेला राजेंद्र सीधे स्पीकर से मिलकर अपना त्यागपत्र उन्हीं के हाथों सौंपने का मन बना रखे हैं। इस संबंध में यह जानकारी मिली है कि स्पीकर कोरोना के मद्देनज़र उनसे मिलने का अवसर नहीं दे रहे हैं। यह भी पता चला है कि विधानसभा अध्यक्ष कार्यालय में ईटेला को यह सूचना दी गई है कि कोरोना के कम होने के बाद उन्हें मिलने का अवसर दिया जाएगा, इसकी यथासमय सूचना भी दी जाएगी। दूसरी ओर यह भी खबर प्रचार में है कि यदि पोचारम श्रीनिवास रेड्डी से मिलने का अवसर नहीं मिला तो ईटेला राजेंद्र फैक्स द्वारा अपना त्यागपत्र भेजने के विकल्प पर भी सोच विचार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर यह भी जानकारी मिली है कि ईटेला राजेंद्र अपॉइंटमेंट मांगते हुए स्पीकर महोदय से फ़ोन पर आग्रह भी किए हैं। इस पर स्पीकर ने ईटेला को यह भी फ़ोन द्वारा बता दिया है कि कोरोना के कारण वे बाहर नहीं निकल रहे हैं, इस कारण आप अपना त्यागपत्र स्पीकर कार्यालय में सीधे पहुंचा दें। दूसरी ओर यह भी प्रचार है कि ईटेला राजेंद्र के विधायक पद से त्यागपत्र देते ही हुजूराबाद के प्रभारी का कार्यभार वहन कर रहे मंत्री हरीश राव, कुप्पुला ईश्वर, गंगुला कमलाकर के नेतृत्व में निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय बैठक आयोजित करने की TRS नेता तैयारियाँ कर रहे हैं। यह ऐसा हो तो जब से ईटेला राजेंद्र का धारावाहिक आरंभ हुआ है इसके बाद से आज तक भी किसी भी मंत्री ने उस निर्वाचन क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। नगर पालिकाओं मंडल स्तर पर कुछ वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी की जिम्मेदारियां CM KCR ने सौंप रखी है। वे सभी स्थानीय स्तर पर अपने काम करते जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा नए सिरे से स्थापित किए जा रहे डायग्नोस्टिक केंद्रों को एक ही समय में एक साथ 19 जिलों में आरंभ करने का मुख्यमंत्री KCR ने निर्णय कर लिया है, परंतु राज्य की मंत्रिमंडल की बैठक के कारण यह कार्यक्रम स्थगित हो गया है। राज्य के सभी मंत्री कैबिनेट की बैठक में उपस्थित रहें, इस कारण यह कार्यक्रम बुधवार तक के लिए स्थगित किया गया है। इस बात की घोषणा राज्य सरकार ने की है कि मुख्यमंत्री ने यह भी निर्णय ले रखा है कि इन क्षेत्रों के लिए मंत्री नहीं हैं उन जिलों के डायग्नोस्टिक केंद्रों का उद्घाटन अन्य प्रमुख लोगों को आमंत्रित कर उनके हाथों उद्घाटन कराया जाए। राज्य में रजिस्ट्रेशन भू पंजीकरण की प्रक्रिया आज से यथावत आरंभ हो गई है। गच्चीबौली स्थित स्टेट डाटा केंद्र में स्थित मुख्य सर्वरों में उत्पन्न हुई तकनीकी समस्या की पहचान कर संबंधित अधिकारियों ने उसका परिष्कार कर लिया है, जिस कारण सर्वर अब पूर्ववत कार्य करना आरंभ कर दिए हैं। सर्वर में उत्पन्न हुई खराबी के कारण राज्य में गत 4 दिनों से खरीदारी और विक्रेता एवं अधिकारी कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। सर्वर में आई तकनीकी खराबी को लेकर उसे दूर करने की कोशिशों में संबंधित अधिकारियों सहित स्टाम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन विभाग के उच्च अधिकारी भी प्रयासरत थे। प्रमुख सॉफ्टवेयर संस्थाओं के दलों द्वारा किए गए प्रयास अंततः सफल होने से राज्य में स्थित 141 सब रजिस्ट्रार कार्यालयों में लेन देन की प्रक्रिया पूर्ववत आरंभ हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि तकनीकी समस्याओं का हल निकाल लिया गया है, लोग अपने काम आसानी से करा सकते हैं। नगरद्वय के सड़क परिवहन निगम की बसों में यात्रियों की संख्या क्रमिक रूप से बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन में ढील की समयावधि बढ़ा दिए जाने से गत 31 मई से बसें मध्याह्न 1:30 बजे तक चलाई गई थी। कुछ मार्गों पर 12:30 बजे के बाद उन्हें यथास्थान रोक दिया भी गया था। बसों में सफ़र करने वाले यात्रियों का आरोप है कि लॉकडाउन के समय ऐसा अचानक बस सेवाओं को बंद कर दिए जाने से हमें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कोठी, दिलशुक नगर, बोराबंडा, ESI रूटों की बसें 1 घंटा पहले बंद कर दिए जाने से अपने अपने गंतव्य तक पहुंचने वाले लोगों को, यात्रियों को खासी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा है। ग्रेटर परिधि के सभी रूटों पर 2 बजे तक बसें चलाने की यात्री मांग कर रहे हैं। मध्याह्न 1 बजे के बाद रेलों द्वारा दूर दराज से यहां पहुंचे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने वाली RTC बसें उपलब्ध न रहने से लोगों को नाना प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। यात्रियों की मांग है कि सिकंदराबाद, नामपल्ली तथा काचीगुड़ा रेलवे स्टेशनों से मध्याह्न के बाद बसें चलाई गई तो बाहर से आए यात्री
कम खर्च में अपने गंतव्य तक पहुंच सकते हैं। प्रातः 8 से 10 बजे तक तथा मध्याह्न 12 से 1 बजे तक यात्रियों से खचाखच भरी बसें चल रही है। बीते 5 दिनों से RTC बसों में यात्रियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अधिक भीड़भाड़ वाले सड़क मार्गों पर अतिरिक्त बसें तथा ट्रिपों की संख्या बढ़ाने की जानकारी RTC अधिकारियों ने दी है। अधिकारियों ने बताया कि अमीरपेट, मादापुर, कोंडापुर, सिकंदराबाद, उप्पल आदि क्षेत्रों में यात्री संख्या के अनुरूप बसों तथा ट्रिपों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार ग्रेटर जोन में स्थित सभी 29 डिपो से प्रतिदिन 1000 से अधिक बसें सड़कों पर उतारी जा रही है। आगे इसी प्रकार बस यात्रियों की संख्या बढ़ती गई तो और अधिक बसें सड़कों पर उतारी जाएंगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि यदि 1 बजे के भीतर कहीं बसें रोक दी गई तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित डिपो मैनेजर को दे, जिससे उस क्षेत्र के यात्रियों की तकलीफों को यथासमय दूर किया जा सके। बच्चों के कोरोना टीका कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। दिल्ली स्थित एम्स सहित देश के 4 जगहों पर यह ट्रायल्स किए जा रहे हैं। 2 वर्ष की उम्र से 18 वर्ष की उम्र के मध्य आयु वाले बच्चों पर यह जांच प्रक्रिया आरंभ की गई है। इसके लिए 18 बच्चों का चयन किए जाने की जानकारी दिल्ली एम्स के सूत्रों ने दी। ज्ञातव्य है कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर का प्रभाव बच्चों पर अधिक रहने की अटकलें पहले से ही लगाई जा रही है। इन्हीं संभावनाओं के प्रकाश में बच्चों के लिए वैक्सीन की आवश्यकता बन पड़ी है। एम्स के सूत्रों का कहना है कि इन परीक्षणों के लिए DGCI ने अपनी मंजूरी दे दी है। इस समय देश में कोवैक्सीन तथा कोविशील्ड टीके उपलब्ध हैं, फिर भी इन टीकों का इस्तेमाल बच्चों के लिए करने की मंजूरी अब तक प्राप्त नहीं हुई है। दूसरी ओर अमेरिका, कनाडा, जापान, चीन जैसे कई देशों ने अपने देशों में बच्चों को भी टीका लगाने की अनुमतियां दे रखे हैं। नगर के सीमावर्ती कुकटपल्ली में एक दर्दनाक हत्या की घटना घटी। कुकटपल्ली निर्वाचन क्षेत्र परिधि के सफदार नगर में एक पुत्र ने अपने शराबी पिता के झगड़े की आदत से तंग आकर अपने पिता की हत्या कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार इम्तियाज़ नामक व्यक्ति अपने पूरे परिवार के साथ सफदार नगर में रहता है। वह प्रतिदिन खूब शराब पीकर नशे में धुत होकर रात के समय घर लौटता और घर के सभी सदस्यों से झगड़ा करता था। इसी आदत के चलते कल रात भी वह शराब पीकर घर आया और परिजनों के साथ झगड़ा आरंभ कर दिया। अपने पिता इम्तियाज की इस आदत से ऊब चुका उसका पुत्र अपने पिता को लकड़ी से मारना आरंभ कर दिया। इस हादसे में इम्तियाज के सिर में लकड़ी का मार पड़ने से वह घायल होकर नीचे गिर पड़ा और उसकी वहीं मौत हो गई। घटना की खबर मिलते ही वहां पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल भेज दिया और मामले की तहकीकात आरंभ कर दी है। आगामी मंगलवार 15 जून से राज्य में गर्मियों की छुट्टियां समाप्त हो रही हैं। इस कारण 16 जून से राज्य की सभी शिक्षण संस्थाओं को आरंभ करने के विषय में सरकार सोच विचार कर रही है। 16 जून से राज्य में स्कूलों, जूनियर कॉलेजों, अध्यापकों तथा प्राध्यापकों को अनुमति देने पर सरकार कोशिशें कर रही है। इसके अलावा कोरोना की संभावित तीसरी लहर का प्रभाव छोटे बच्चों पर अधिक रहने की संभावनाओं के चलते इनके लिए ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने के भी सरकार द्वारा प्रयास जारी हैं। यह ऐसा हो तो कोरोना की 2 लहरों की स्थितियों से परिचित राज्य की जनता अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर अधिक चिंतित है। देखना है जनता और सरकार किस निर्णय पर अपना पक्ष रखेंगे। देश में ईंधन की कीमतें बढ़ती ही जा रही हैं। पेट्रोलियम उत्पादों के दाम बढ़ रहे हैं लेकिन घटने का नाम नहीं ले रहे हैं। देश के अधिकांश राज्यों में पेट्रोल की कीमतें 100 का आंकड़ा पार कर लिए हैं। यदि तेल की कीमतों की परिस्थिति इसी प्रकार जारी रही तो आगामी 1 सप्ताह के भीतर हैदराबाद नगर में पेट्रोल के दाम 100 का आंकड़ा पार कर जाएंगे। इन्हीं संभावनाओं के साथ देखा जाए तो डीजल की कीमतें भी पेट्रोल के साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से बढ़ते जा रही है। देश के सभी बड़े शहरों में दर्ज हुए पेट्रोल तथा डीजल की कीमतें विपरीत ढंग से बढ़े हुए हैं। हैदराबाद में प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत इस समय 98.48 रुपये है तो वहीं डीजल की कीमत 93.38 रुपये प्रति लीटर है। इतना होने पर भी पेट्रोल उत्पादों का उपयोग भी कम नहीं हो रहा है। लोग इन कीमतों की परवाह किए बिना अपने सभी प्रकार के वाहनों का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं।
युवा रेजलर सागर राणा हत्या मामले के आरोप का सामना करते हुए इस समय मंडोली जेल में बंद स्टार रेजलर सुशील कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुशील कुमार को जान का खतरा होने की आशंकाओं के प्रकाश में उसी जेल में सजा भोग रहे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। इसके साथ ही सुशील कुमार को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए पैरामिलिट्री कर्मियों की विशेष दस्ते को तैनात भी किया गया है।